हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीयूईटी एनटीए पीएचडी में टोटल सीट्स कितनी हैं, एनटीए में आपकी टोटल सीट्स, आपकी पीएचडी के लिए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो कि हुआ था 2023 का सीयूईटी का, तो उसके बारे में उसकी सीट्स कितनी है पीएचडी की, हर सब्जेक्ट की हम सीट्स देखेंगे और हम इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है सब्जेक्ट्स का, और आपका इसमें बीएचयू का प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस करेंगे। बीएचयू में कितनी सीट्स हैं एग्रीकल्चर की आपकी, देन अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके, इन सब का लाइफ साइंस की, देन ये सब जो भी उसमें सब्जेक्ट हैं लैंग्वेज के, ये सब हम सब्जेक्ट्स के बारे में इसमें सीट्स देखेंगे, बीएचयू का प्रोस्पेक्टस डिस्कस करेंगे और आपके सिलेक्शन की कितने चांस हैं, इन सीट्स नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यदि चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इनका क्या है, कैसा आपका पीएचयू का आपका प्रोस्पेक्टस, देन इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में देखेंगे और सीट्स के बारे में, ये सब हम देखते हैं और चलते हैं अपने बीएचयू प्रोस्पेक्टस के उसमें स्लाइड्स में। देन इसमें जब हम देखते हैं पीएचडी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो 2023 का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो इसके बारे में कितनी सीट्स हैं, कौन कौन सी फैकल्टी में कितनी सीट हैं, कौन कौन से फैकल्टी इसमें हैं, और बीएचयू रेट और एग्जेम्प्टेड कैसे होगा, क्या होगा, और रेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे ये। और इसमें हम पहले आते हैं सीट्स में, तो इसमें देखते हैं हम फॉर एडमिशन टू पीएचडी 2023 कैंडिडेट श्योर दैट दे फुलफिल मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में हैं ये। देन इसके बाद जब पीएचडी प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लेने के लिए आप देख पा रहे होंगे इसमें बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड आपका है, ये बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड है। इसमें रेट एग्जेम्प्टेड में आप अभी इसका फॉर्म शुरू नहीं हुआ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इससे सिलेक्शन ले सकते हैं। एंड दूसरा मेथड है आपका रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट देके, जो कि आप लोगों ने दिया भी है, एनटीए का आपने दिया है एनटीए इंट्रेंस टेस्ट, तो उसके बारे में हम इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा वो देखेंगे और इसकी सीट्स कितनी है वो देखेंगे, जबकि बीएचयू रेट अभी तक हुआ नहीं है और ना कि अभी इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है, तो बीएचयू रेट के थ्रू जो सीट्स भरी जानी है बीएचयू में वो देखेंगे, एनटीए पीएचडी के थ्रू जो सीट्स यहाँ पे भरी जानी है वो देखेंगे। तो इसमें आपके देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सीट्स एंड आपका एडमिशन चैनल ऑफ एडमिशन किसके थ्रू आपका एडमिशन होगा एंड एलाइड डिसिप्लिन क्या है, ये सब इसमें देख पा रहे होंगे आप। जैसे नेम ऑफ द डिसिप्लिन, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें 740 ये कोर्स कोड है। देन आपके 14 सीट्स हैं जो कि बीएचयू रेट से आपको एडमिशन मिलने वाला है, ना कि आपको इसमें सीयूईटी एनटीए का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसके थ्रू आपको इसमें नहीं एडमिशन मिलेगा। जैसे आपका इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एग्रीकल्चर से यदि आपने इकोनॉमिक्स से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से एमएससी किया हुआ है या एग्रीकल्चर फिशरीज इकोनॉमिक्स से आपने एमएससी किया हुआ है तो आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। बढ़िया सीट्स हैं, 14 सीट हैं। बीएचयू रेट का जब भी फॉर्म आएगा, जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देन इसके बाद हम देखते हैं एगोनॉमी, तो इसका भी बीएचयू रेट देके ही आप एडमिशन ले पाएंगे, तो ये थोड़ी वो है कि आप थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। देन इसके बाद वाटर मैनेजमेंट जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं, 2 सीट्स हैं, ये भी बीएचयू रेट से है। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, ये एनटीए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट, मतलब कहने का जो 6 सीट्स हैं ये आपकी एनटीए का जिसने इंट्रेंस टेस्ट दिया है सीयूईटी पीएचडी का वो ही इसमें सिलेक्शन ले पाएगा, उससे ही ये जो टोटल 6 सीट्स हैं ना ये आपकी इंट्रेंस टेस्ट से भरी जाएंगी, एनटीए के टेस्ट से भरी भरी जाएंगी, फिल की जाएंगी। तो ये मोड है, वो चैनल है जिसके थ्रू आपको एडमिशन लेना है, तो बीएचयू रेट के थ्रू, अभी तो बीएचयू रेट हुआ नहीं, तो हम डिस्कस करेंगे एनटीए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट में कितनी सीट्स हैं। जैसे प्लांट पैथोलॉजी, जब एग्रीकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी और जीपीबी इन सब की बात आती है तो हमें लाइफ साइंस का पेपर देना होता है, लाइफ साइंस जो कि कंबाइंड लाइफ साइंस वाले भी स्टूडेंट्स भी उसे पेपर देते हैं और हम लोग भी
या आप लोग भी, कहने का मींस ये है कि आप लोग भी जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं जिनको पैथो में एडमिशन लेना, वो भी इसी का एग्जाम देंगे। एनटीए दिए हैं, एनटीए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट में प्लांट पैथोलॉजी में 20-32 सीट्स हैं। देन नेक्स्ट है सोयल साइंस, इसके ये बीएचयू रेट से होगा आपका। एनटीए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देना, आपने दिया होगा एनटीए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट। अगर आपने ये एग्जाम नहीं दिया तो आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। 18 सीट्स हैं, कितनी 18 हैं टोटल। फूड टेक्नोलॉजी में 8 सीट हैं, जबकि ये बीएचयू रेट से। तो हम यहाँ पे एनटीए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट की बात करें। एंटोमोलॉजी में ये एग्रीकल्चर के हम बात कर रहे हैं, देन एग्रीकल्चर के आप देख रहे होंगे बीएचयू रेट, बीएचयू रेट से है। एनटीए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट से 6 सीट्स हैं। हॉर्टिकल्चर में प्लांट फिजियोलॉजी में ये भी आपकी 8 सीट हैं, इसमें भी आपने एनटीए का एग्जाम दिया हो तो ये एग्रीकल्चर की सीट्स हैं। देन है फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। जब फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके, मैं एक चीज आपको बता दूं, यदि आपको एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको इसमें कुछ भी यदि आपको कंफ्यूजन होती है, यदि वेटरनरी एंड सर्जरी रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें बीएचयू रेट, बीएचयू रेट जो भी बीएचयू रेट से इसमें होने हैं वो आपके दिए हुए हैं। तो बीएचयू रेट का जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब इन सीट्स में आप सिलेक्शन पा पाएंगे। तो ये वेटरनरी साइंस के लिए है जो कि बीएचयू रेट होने वाला है, उसमें अप्लाई कीजिएगा। अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट की। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट में आपका यदि बंगाली में आपको पीएचडी करनी है तो देन आपकी 4 सीट्स हैं, ये भी बीएचयू रेट से एडमिशन इसमें मिलेगा। लेकिन इंग्लिश में आपकी बहुत सीट हैं, 26 सीट हैं। देन एनटीए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट आपने दिया है तो आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। देन फ्रेंच में इसमें भी एनटीए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट 6 सीट हैं। और इसमें हिस्ट्री एंड आर्ट में इसमें भी एनटीए है आपका। देन टूरिज्म मैनेजमेंट में 4 सीट्स हैं, इसमें बीएचयू रेट। देन नेक्स्ट में बीएचयू रेट, नेपाली में, तमिल में बीएचयू रेट, लेकिन रशियन में यदि आप लेना चाहते हैं तो आपका एनटीए टेस्ट आपने यदि दिया है तो आप ले सकते हैं, 1 सीट है इसकी। चाइनीज में इसमें 1 सीट है आपकी, इसमें भी आपका एनटीए का टेस्ट आपने दिया है तो सही है। फिजिकल एजुकेशन जो कि बहुत लोग इससे करना चाहते हैं पीएचडी, तो देन इसमें 19 सीट्स हैं जो कि एनटीए आपने यदि दिया है तो आप इसमें सिलेक्शन लेने के लिए एलिजिबल हैं। आप इसमें अब मैं इसके बारे में अभी नेक्स्ट आप वीडियो में आप बने रहिएगा तो इसमें देखेंगे कि कितना कट ऑफ इनका जाने वाला है, तो वो आपको मैं बता दूंगा कैसे आप उसे कट ऑफ कहाँ से देखना है, कैसे क्या करना है। और फिर बात कितने लोग इसमें अपीयर हुए हैं इस फॉर्म में, जैसे कि एनटीए ने जो अप्लीकेशन फॉर्म निकाला था उसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने हुए, देन पेपर कितने लोगों ने दिया, उसके हिसाब से कट ऑफ निर्धारित होती है। जियोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो जियोग्राफी में आपका, जियोग्राफी में यदि आपको लेना है तो इसमें भी एनटीए टेस्ट आपने दिया होगा, 27 सीट्स हैं। होम साइंस में 7 सीट्स हैं, एनटीए का एग्जाम आपने दिया है, 12 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में 23 हैं, ये सब एनटीए के द्वारा भरी जाएंगी। स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स ये आपका देख रहे होंगे, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसके बाद बात आती है आपकी मराठी, ये मराठी एंड तेलुगु बीएचयू रेट से दिया जाएगा एडमिशन इसमें। एंड जर्मन की जब आप बात करते हैं तो इसमें 5 सीट्स हैं, एनटीए के थ्रू जो आपने टेस्ट दिया होगा उसके थ्रू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीए टेस्ट देने के बाद आपका स्कोर कार्ड आने के बाद कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बाद आप इंटरव्यू के लिए, फिर देन आपका रिसर्च प्रपोजल, इस सब के लिए आप क्वालिफाई किए जाएंगे। तो उस सब से अगर आपको प्रोसीजर नहीं पता क्या प्रोसेस रहने वाली है आगे की, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कट ऑफ के बाद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, बता दूंगा, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देन जब हम बात करते हैं भोजपुरी एवं जनपद डी की आप बात करते हैं, इसमें जनपदीय अध्ययन की, जनपदीय अध्ययन की, तो भोजपुरी एवं जनपदीय अध्ययन, तो इसमें 7 सीट्स हैं एनटीए की। पाली एंड बुद्धिस्ट में एनटीए के थ्रू आपको सिलेक्शन मिलेगा, 1 सीट है। संस्कृत में एनटीए के थ्रू मिलेगा, उर्दू में एनटीए के थ्रू मिलेगा, मतलब एनटीए स्कोर कार्ड जो आएगा उसके थ्रू, समझिएगा। 6 सीट्स हैं, 7 सीट्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं उसके बारे में देख लीजिएगा।
ऐसे आपका जर्नलिज्म का है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद फिलोसफी में एनटीए आपने दिया है, हिंदी में एनटीए दिया है। हिंदी में 42 सीट्स हैं, कितनी? 42। फिर आते हैं फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, इसमें बीएचयू रेड देना पड़ेगा आपको। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आपका एजुकेशन में 49 सीट्स हैं, कितनी? 49। एनटीए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट आपने दिया है, तो आप इसमें आराम से इसके स्कोर कार्ड के थ्रू इंटरव्यू के लिए कट ऑफ के अंदर आएंगे और कट ऑफ निकलेगी, उससे आपका एडमिशन होगा। देन फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करें तो इसमें भी एनटीए के थ्रू आप एडमिशन लेंगे, 7 सीट्स हैं, 17 सीट्स हैं लॉ में। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में आपका 38 सीट है, ठीक है। देन इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इसमें आप देख रहे होंगे यदि आपने एनटीए का एग्जाम दिया है तो आप इसमें शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड वोमेन स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इस सब की सीट्स हैं। साइकोलॉजी की जैसे आपकी 20 सीट्स हैं। इसके बाद देखते हैं हम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इसमें 57 सीट्स हैं कॉमर्स की, एनटीए के थ्रू एडमिशन होगा इसमें। देन इसके बाद देखते हैं फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें जब 4 सीट्स हैं, ये आपकी ये सब एनटीए के द्वारा भरी जाएंगी आपकी। डांस और डांस, कथक और भारतनाट्यम, ये आपकी एक एक सीट है जो बीएचयू रेड के थ्रू फिल होंगी। फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्मा, ये आपका बीएचयू रेड के थ्रू भरा जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट, या इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड पीएचडी इंफॉर्मेशन, इसमें फिर आप केमिस्ट्री की जब बात करते हैं, केमिस्ट्री की फैकल्टी ऑफ साइंस में, ये है फैकल्टी ऑफ साइंस, तो फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स में बहुत सीट हैं, 40 सीट्स हैं, एनटीए के थ्रू होगा ये भी। केमिस्ट्री 145 सीट्स हैं, जियोलॉजी 34, जूलॉजी आपकी 22, बॉटनी 15, जो लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इसको देख लें। एंड कंप्यूटर साइंस आपका 6, मैथमेटिकल साइंस 1, एंड आपका बायोकेमिस्ट्री 8 सीट्स हैं, जियो फिजिक्स की 8 सीट हैं। तो ये आपकी सीट हैं जो कि एनटीए के थ्रू भरी जाएंगी, देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स, होम साइंस, ये सब मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये आपकी निकल के आ रही हैं सब। एंड इसके बाद मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में 5 सीट्स हैं, एनटीए आपने दिया होगा। एनवायरमेंटल साइंस की 3 सीट्स हैं, एनटीए के थ्रू होगा। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट्स हैं, ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स में आपका एनटीए के थ्रू 5 सीट्स हैं। इसमें फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपकी सभी अधिकतर सीट्स आपकी एनटीए के थ्रू ही भरी जाएंगी, देख रहे होंगे। सिद्धांता दर्शन एंड संहिता एंड संस्कृत, तो ये है आपका, इसमें आप सीट्स देखेंगे आयुर्वेदा में। देन इसके बाद है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, जब फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं तो इसमें एनाटॉमी के लिए बीएचयू रेड देना होगा। देन आपका बायोकेमिस्ट्री के लिए एनटीए इंट्रेंस टेस्ट, एंड कम्युनिटी कम्युनिटी मेडिसिन के लिए भी एनटीए इंट्रेंस टेस्ट आपने दिया होगा, तो एडमिशन आपको इसमें मिल जाएगा। देन इसके बाद ये सब डिटेल है, आप देख लीजिएगा। फिर बात आती है जब आपकी फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसमें आपकी इन्वायरमेंटल साइंस की 6 सीट है, एनटीए आपने दिया है, तो आपकी ये 6 सीट्स आपके लिए हैं और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और एलिजिबिलिटी इसके सामने लिखी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस, इसमें आपको बीएचयू रेड देना होगा। तो ये सब आपका है, सीट्स डिक्लेयर्ड आर इंक्लूसिव ऑफ बोथ मोड, कहने का मीन्स ये है कि ये बोथ मोड में आपकी सीट्स हैं, जैसे बीएचयू रेट की भी हमने देख लिया, एग्जेम्प्टेड बीएचयू रेट, एनटीए इंट्रेंस टेस्ट, एंड आपका ये आपको बता रहा है 50% सीट किससे भरी जाएंगी, एंड 50% इससे, 50% सीट डिक्लेयर्स आपके शैल बी फिल्ड थ्रू बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड मोड, एंड रिमेनिंग 50% थ्रू एनटीए, मतलब कहने का 50% बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड से, एंड 50% आपका एनटीए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट से। कहने का मींस जिसमें एनटीए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट होगा वो उससे भरी जाएंगे, जिसमें बीएचयू रेट होगा वो उससे भरी जाएंगे, जैसे अभी आप हम डिस्कस कर रहे थे। ये हमने सीट के बारे में डिस्कस किया कि इतने सीट्स हैं, और इसमें जब हम नीचे आते हैं तो एडमिशन प्रोग्राम का है कि कौन सी एलिजिबिलिटी, कैसे क्वालिफिकेशंस आपकी, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो सब दी हुई है, तो वो सब आप देख लीजिएगा। मैं इसका
आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एमएससी ही रहती है, आप अच्छे से जानते हैं। आपको इसमें ओनली इस समय सीट्स की कितनी सीट ये हमारी टोटल सीट्स वो सब की जानकारी लेनी थी, तो हम बीएचयू के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और यदि आपको अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि डीयू एंड आपका जेएनयू, इनके बारे में भी आप सीट्स डिटेल इनका प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको भी डिस्कस कर लूंगा, उनकी सीट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और आपका इसके अलावा हम जब बात करते हैं कितने लोग इसमें अपियर हुए इस एग्जाम में, तो हम उसे भी देख लेते हैं कितने स्टूडेंट अपियर हुए हैं। तो इसमें आपके रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे जो वो थे टोटल 50,000। कितने स्टूडेंट थे? 50,000 स्टूडेंट थे, एंड 50,000 प्लस स्टूडेंट थे आपके रजिस्टर्ड। इन पेपर दिया उन्होंने 35,000 प्लस आपके पेपर दिए हुए हैं, एग्जाम दिए हुए हैं इसका पीएचडी का। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो इतने में बनने वाली है, 35,000 स्टूडेंट्स में। और आपका यदि आप जनरल के हैं तो उसमें 12,000 लोग दिए हैं, 12,582। एंड यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी सबके लिए, जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस की जब बात करते हैं हम, तो 5,224, और ओबीसी के लिए है 11,313 स्टूडेंट्स ने दिया है। मतलब कट ऑफ आपकी जो बनने वाली है इनमें से बनेगी। एससी के 4,951 एंड एसटी का 1,263 एंड पीडब्ल्यूडी 563, इन लोगों में आपका कंपटीशन होने वाला है, ना कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट में। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीट्स इतनी हैं कि यदि आपके मिनिमम रेंज भी आपका यदि है, स्कोर कार्ड ठीक ठाक है 150, 160, या तो फिर किसी किसी सब्जेक्ट में आपका 180, 220, ऐसे सभी सब्जेक्ट का सीट्स के हिसाब से उसका क्वेश्चन का कट ऑफ जाएगा। तो उन सब के बारे में भी यदि आप कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, सॉरी, आप मुझे मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कल डिस्कस भी कर चुका हूँ कि इसका प्रीवियस वीडियो, तो उसमें मैं लिंक डाल दूंगा, आप उससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी वो देख लीजिएगा। जो कि ये है, मैं सभी का बता चुका हूँ, जैसे केमिस्ट्री ब्रांच ऐसे मैंने सभी का बताया है, जैसे केमिस्ट्री ब्रांच आपका बॉटनी लाइफ साइंस ये सब, तो वो आप देखेंगे जब, तो इसके नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक रही बात, यदि कोई भी किसी भी प्रकार की आपको कन्फ्यूजन होती है प्रोस्पेक्टस किसी भी यूनिवर्सिटी का डिस्कस करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कि आपको इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं मैं आपको टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूँ। थैंक यू सो मच।